अच्छी थी। वो पढ़ाई के अलावा वह अखलाक भी थी। जादू ही कहानियाँ पढ़ना उसे बहुत पसंद था। एक दिन नायला जादूगर की कहानी पढ़ रही थी। इसके पास जादुई आईना था, उसके जरिए दुनिया में हर जगह देखा जा सकता। नायना ने सोचा काश उसके पास भी ये जादुई आईना होता जो उसके हर काम कर देता। नायला के अब्बू उसकी पसंद को जानते थे, चुनाचा वो उसके लिए एक पतला चुपटा सा काले रंग का आईना ले आए। आईना इतना छोटा था उसकी फ्रॉक की जेब में आ जाता था। नायला बहुत खुश हुई, उसने आईने को एक छोटे से गिलाफ में रख दिया जो उसके साथ ही था। नायला किसी काम में मसरूफ थी। ये अचानक अब्बू कमरे में दाखिल हुए और नायला से जादुई आईना मांगा। नायला ने उन्हें आईना दिया तो उन्होंने कहा ये टच मोबाइल कहलाता है, ये किसी जादू के आईने जैसा ही है। ये सुनकर नायला हैरान रह गई। अब्बू ने नायला को मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे जरा सा सुनने से हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और जो भी सवाल लिखकर पूछो उसका जवाब फौरन मिल जाएगा। इसमें मुझे यूट्यूब मुख्तसिफ इंसान के कार्टून और फिल्में वगैरह भी देख सकते हैं। नायला अपनी इस बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाने पर बहुत खुश हुई। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।